दोस्तों, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब लोगों के शरीर पर 3 से 4 किलो सोना लदा होना सामान्य सी बात थी। स्वर्ण मुद्राएं चलती थीं और लोग सोने का मुकुट पहनते थे। मंदिरों में टनों सोना रखा रहता था, सोने के रथ बनवाए जाते थे और प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। सैकड़ों वर्षों की लूटपाट के बावजूद भी भारत में आज भी टनों सोना, चांदी, जेवरात, गिन्नी आदि गड़ा हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। पहला, खजाने के लिए इंदिरा गांधी ने खुदवा दिया था किला। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान जयपुर की महारानी गायत्री देवी के जयपुर स्थित जयगढ़ किले को खजाने के लिए खुदवा दिया था। इंदिरा गांधी से गायत्री देवी की नहीं बनती थी। जयगढ़ किले में 5 महीने तक चली खुदाई के बाद ये बताया गया कि महज 230 किलो चांदी और चांदी का सामान ही मिला है और सेना ने इन सामानों की सूची बनाकर और राज परिवार की प्रतिनिधि को दिखाई और उनके हस्ताक्षर लेकर सारा सामान सील कर दिल्ली ले गई। हालांकि यह भी कहा जाता है कि वहां से करोड़ों का खजाना निकला था, लेकिन जनता को भ्रम में डालकर वह सारा खजाना दबा दिया गया। इस खजाने के बारे में कहा जाता है कि 1580 में अकबर के सेनापति सवाई मानसिंह अफगानिस्तान के मोहम्मद गजनी पर जीत हासिल कर पूरा खजाना जयपुर ले आए थे। कहा जाता है कि मानसिंह द्वितीय ने अपने काल में जयगढ़ के खजाने के एक बड़े हिस्से को मोती डूंगरी में रख दिया था। आपको क्या लगता है, कमेंट करें। दूसरा, मोकाम्बिका मंदिर का खजाना। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में कोहलूर में स्थित मोकाम्बिका मंदिर में भी खजाना दबा होने का दावा किया जाता है। खजाने के दावे से इधर मंदिर में रखे जेवरात की कीमत ही लगभग 100 करोड़ रुपए बताई जाती है। मान्यता अनुसार मंदिर के खजाने की सांप रक्षा करते हैं। यहां एक चैम्बर में सांप का निशान भी बना हुआ है। तीसरा, पद्मनाथ मंदिर का खजाना। जी हाँ, इसके बारे में कौन नहीं जानता। सन 2011 में इसका खुलासा हुआ। दक्षिण भारत के पद्मनाथ मंदिर में छिपा था 5 लाख करोड़ का खजाना, जिसे गिनने में आधुनिक मशीनें और कई लोगों की टीमें लगी थीं। फिर भी तहखाने से पाए गए खजाने में से कुछ तहखानों को खोलकर देखने की मनाही थी, क्योंकि मंदिर प्रशासन और भक्तजनों की किसी अनहोनी घटना, अशुभ होने का डर था। 2011 में कैग की निगरानी में इस मंदिर से करीब 1 लाख करोड़ रुपए का मूल्य का खजाना निकाला गया था। चौथा, सोन भंडार गुफा का खजाना। यह गुफा बिहार के छोटे से शहर राजगीर की वैभवगिरी पहाड़ी की तलहटी में स्थित गुफा है। यहाँ पर बुद्ध ने मगध के सम्राट बिंबिसार को धर्म उपदेश दिया था। किंवदंतियों के मुताबिक सोन भंडार गुफा में भरा है सोने और बहुमूल्य खजाने का अकूत भंडार। ऐसा माना जाता है कि खजाना एक 10.4 × 5.2 मीटर आयतकार मजबूत कोठरी में कैद है, जिसका रास्ता शायद किसी को नहीं पता। इस गुफा में 2 कक्ष हैं। ये दोनों कक्ष पत्थर की एक चट्टान से बंद हैं। रूम नंबर 1 में माना जाता है कि सुरक्षा कर्मियों का कमरा था, जबकि दूसरे रूम के बारे में मान्यता है कि इसमें सम्राट बिंबिसार का खजाना था। यह भी माना जाता है कि यह खजाना जरासंध का था। आपको क्या लगता है? पांचवा, नादिर शाह का खजाना। सन 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिल्ली में खूब लूटपाट की थी। कहते हैं कि लूटे गए खजाने में मयूर तख्त, कोहिनूर के साथ लाखों की संख्या में सोने के सिक्के और जवाहरात ले गया था। कहते हैं कि खजाना इस भारी मात्रा में था कि वह पूरे खजाने पर नजर नहीं रख पाता था और इतने सारे खजाने को ले जाना भी कठिन था। ऐसे में उसके सिपहसालारों ने खजाने का एक हिस्सा हिंदूकुश पर्वत की किसी गुफा में कहीं छिपा दिया था, जो आज तक नहीं मिला। धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद। इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द ही आएगा। धन्यवाद।